75 लोग हैं टोटल, जिसमें से 60 लोग पलवल बॉर्डर पे हैं। अच्छा जी। और 15 लोग हम यहाँ हैं, जिसमें से अभी पांच लोग यहाँ खड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये लोग हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये विदिशा मध्य प्रदेश से हैं हम लोग सब। और मैं मोदी जी को आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा और उन सब अंधभक्तों को संदेश देना चाहूंगा कि भक्तों से पूछना चाहता हूं कि उनकी झांसी की रानी जो है ना, वो इमरान हाशमी को चुम्मा देके निकलती है, और हमारी जो झांसी की रानी है ना, वो अंग्रेजों के सर कलम कल के किले से निकलती है। ये पकड़, ये समझना चाहिए। मोदी जी कहते हैं ना, मैं चाय बेचता था। मैं चाहता हूं वो दिन जरूर आए जब आप फिर से चाय बेचो। मोदी जी फिर से चाय बेचो। कभी वो जाते हैं और कहते हैं, बड़े अच्छे से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं मैं सैनिक बनना चाहता था, मैं ढपली वाला बनना चाहता था, मैं फलाना बनना चाहता था। मैं तो पूछता हूँ मोदी जी से, मोदी जी कभी किन्नरों की सभा में गए क्या? पता नहीं तब क्या कहते। भाई इतना बड़ा भिखारी मैंने नहीं देखा जिसने देश के गरीबों के जनधन के खाते तक खुलवा दिए। बेचारों ने पैसा जनधन खाते में जमा करा, ये उनका पैसा खा गया, ये हमारा पैसा कहां से नहीं खाएगा। बात करी थी 15 लाख देने की, ये 25 लाख खा गया हम लोगों के, जनता के। बात करी थी 2 करोड़ रोजगार देने की, ये तो 8-10 करोड़ रोजगार पी गया लोगों के। इससे बड़ा महा झूठा आपने कहीं देखा क्या? इससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। बात विकास की करी थी, विकास लाएगा क्या है, इसकी माँ का सपना था विकास पैदा करवाना इससे। हाँ, इसके घर वालों का सपना था विकास पैदा करवाने। इसकी माँ ने कहा था, बेटा मेरे को एक विकास दे दे तू घर में। अच्छा। नाम रखना चाहती हूँ अपने बेटे का, विकास। हाँ, पोते का। हाँ, पोते का। हाँ। तो इसको क्या है ना, इसको ये अपने इसकी शादी भी करवा दी। हाँ। अब शादी करवा दी, इससे आखिर प्रयास करता रहा, इससे विकास पैदा हुआ ही नहीं। अब लोग नहीं समझ पाए इसके आडंबर में, इसके पाखंड में आ गए। जो इसने हिंदू धर्म का पाखंड रचाया ना, वो पहाड़ियों पे जाके तो लोगों को लगा शायद तपस्वी बन गया होगा, अब कुछ ये विकास पैदा कर पाएगा। तो लोगों को क्या पता था इसके विकास के बारे में। गैर जिम्मेदार आदमी है, जब घर की जिम्मेदारी थी तो घर छोड़ के भाग गया, फिर इसको देश की जिम्मेदारी दे दी जनता ने। बेचारी जनता ने कहा चलो एक बार देख लो, अब की बार फिर प्रयास कर लेने दो। पर उन्हें क्या पता था ये यहाँ भी कुछ नहीं कर पाएगा, जब देश की जिम्मेदारी थी तो ये विदेश भाग गया। भाई घर में रहना पड़ता है, अब तभी तो कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं प्रयास प्रयास। भाई प्रयास तो उसने घर में भी बहुत करे थे, नहीं हो पाया विकास पैदा। तो ये जो उसकी नपुंसकता है ना, ये मानसिक रूप से हावी हो गई है, जो देश का विकास नहीं करने दे रही, ये इसकी मानसिक कुंठा है जो देश को बेकार कर रही है मेरे। मैं चाहूंगा कि कृपया कर मन की बात करना हो तो अपनी बीवी साथ रखना चाहिए। सो भाई इनकी पत्नी से मेरी निवेदन है कि इनको साथ रखो। मोदी बावरा हो गया है, मोदी का दिमाग चलने लगा है, वो समझते नहीं है, सनक जाता है, रात को 12 बजे आता है, उठता है जैसे हम लोग नींद में उठते हैं ना, सो के उठते हैं और कुछ तो भी बोल देते हैं। आया कहने लगा आज तो साला नोटबंद करना है मेरे को, और आके कह दिया नोटबंदी हो गई। अरे जे नहीं पता भाई, तेरा घर थोड़ी है, जे देश है, घर चलाने ही पाया जे, देश कैसे चलाएगा। तो ऐसे करके आया और इसने नोट बंद कर दिए, फिर आया GST लागू कर दी, आधी रात को कोरोना का ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन लगाया जाता है, घर में ताला लगाते बना नहीं, अब ये लॉकडाउन लगा रहा है, मतलब सारी की सारी कुंठा देश पे उतार रहा है। तो मेरा निवेदन है बार बार मोदी जी को और उन सारे अंधभक्तों को जो RSS की चमचागिरी करते हैं, भाजपा की चमचागिरी करते हैं, क्योंकि भाजपा का नाम भाजपा नहीं है, व्यापार जनता पार्टी है, जो आज व्यापार कर रही है, जिसके आप कार्यालय देख लीजिए 5-स्टार होटल से बड़े हैं। ऐसे कार्यालय कभी होते हैं सेवाभावी लोगों के, ये सेवा करना चाहते हैं। RSS के लोग कहते हैं हम तो साहब बड़े राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, देशभक्त हैं। तो अभी देखिए ना, अभी उसने क्या करा कि अपने RSS वालों ने, RSS का नाम जो था ना आजादी के पहले राज्य सुरक्षा समिति हुआ करता था, जो अंग्रेजों ने उनको खाकी हाफ चड्डा दिया था, आधी पुलिस बनाया था क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने के लिए। अच्छा। सामंतवादी लोग थे, जो राइटिस्ट लोग थे, जो अंग्रेजों के राइट में बैठते थे सदन में, जो उनका सहयोग करते थे, और हम लोग लेफ्टिस्ट लोग थे जो उनकी नीतियों का विरोध करते थे, आजादी चाहते थे, जिन्हें ये वामपंथी कहते हैं। हम वही वामपंथी हैं, भगत सिंह वाले, कम्युनिस्ट वाले। बिल्कुल पीछे देखो, भगत सिंह देख रहे हैं, भगत सिंह वाले
असी लोग हैं वो कहने के बिल्कुल। ये भगत सिंह ने ना पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करा था, ये उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, ये इन्हें कभी इन्हें पता नहीं था कि हम लोग आजाद हो जाएंगे। लेकिन भगत सिंह की कुर्बानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, उद्धम सिंह की कुर्बानी, करतार सिंह सराभा की कुर्बानी, जाने कितने मेरे पंजाबी भाई और समस्त हिंदूवासियों की कुर्बानी थी कि हमने आजादी ले ली। जब आजादी ले ली तो इन्हें सत्ता का लालच जाग गया, फिर इन्हें कहा हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, मतलब स्वयं सेवक ये खुद की सेवा करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये राष्ट्रीय शोषण संघ, आरएसएस का नाम क्या है आजादी के बाद, राष्ट्रीय शोषण संघ, जिसने अभी तक देश का शोषण किया है। एक बंदा बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से सवाल उठा रहा हूँ आरएसएस भाजपा पे, एक बंदा है क्या जिसने आज तक उंगली तक कटाई हो, एक चांटा खाया हो आजादी की लड़ाई में? और बात आजादी की करते हैं, राष्ट्रभक्ति की करते हैं, देशभक्ति की करते हैं, ऐसे देशभक्ति नहीं आने वाली। देशभक्ति कुर्बानी मांगती है तो ईमान बेच देते हैं। तभी तो कहता हूँ कि इनकी झांसी की रानी रैंप और इमरान हाशमी को चुम्मा देके आती है, और हमारी झांसी की रानी किले से अंग्रेजों का गला काट के आती है।